वेलकम गाइस, गाइस मैं आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स पर। गाइस अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या आपके कोई पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी डायबिटीज से का पेशेंट हो तो उनको ये वीडियो आप जरूर दिखाएं क्योंकि आज की वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसीज है जिसमें हमारी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। गाइस ब्लड में शुगर के लेवल के बढ़ने से बार बार टॉयलेट आना, प्यास का लगना एंड भूख में वृद्धि हो जाना आदि सब होता रहता है। यदि डायबिटीज़ का सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो डायबिटीज और भी कई सारी बीमारियों का कारण बन जाती है। गाइस डायबिटीज़ की वजह से ही ह्यूमन बॉडी के पैनक्रियास में एक सफिशियंट क्वांटिटी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से सेल्स इंसुलिन को ठीक प्रकार से एक्टिवेट नहीं कर पाती हैं एंड ग्लूकोज को अन्य सेल्स तक पहुँचाने का काम भी इंसुलिन का ही होता है और डायबिटीज के रोगी के शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या फिर काफ़ी कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चीनी अथवा ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। और गाइस आज के समय में तो डायबिटीज़ का होना एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। गाइस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपका फूड और आपके डेली रूटीन में चेंजेस लाना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो शुगर का कंट्रोल में लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसमें हम जो भी खाते हैं वह ग्लूकोज में बदलकर हमारे ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है एंड इसके बाद इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उनका इस डायबिटीज़ होने पर या तो बॉडी में एक परफेक्ट क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बनता या फिर हमारी बॉडी सही से इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती है, इसलिए शरीर में शुगर स्टार्च व अन्य फूड को ऊर्जा में बदलने की शक्ति खत्म हो जाती है एंड इसलिए व्यक्ति का खान पान उसके ब्लड की शुगर के लेवल को और बास की योगा करने की हैबिट्स में एंड आदि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी निर्भर करता है। गाइस डायबिटीज़ के रोगी के भोजन में 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट बट 20% प्रोटीन होना जरूरी है। दिन भर में 1500 से 1800 कैलोरी अवश्य लेनी चाहिए एंड रोजाना 2 मौसमी फल व 3 तरह की वेजिटेबल जरूर खानी चाहिए। गाइस अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपको नॉन वेज का बिल्कुल भी यूजेस नहीं करने हैं, विशेषकर रेड मीट का इसे तो बिल्कुल नहीं खाना है। चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डायबिटीज़ का डाइट चार्ट आखिर है क्या। गाइस अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो सुबह उठकर 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच मेथी पाउडर मिलाकर पिए और फिर रात में जौ को रात में पानी में भिगाकर रख दें और सुबह इस पानी को छानकर पी लें एंड 1 घंटे बाद शुगर फ्री चाय और हल्के मीठे 2-3 बिस्किट आप खा सकते हैं एंड इसके साथ ही नाश्ते में 1 कटोरी रात में भिगोए गए अनाज के दाने और बिना मलाई वाला दूध या 1 से 2 कटोरी दलिया और ब्राउन ब्रेड, ठीक है, एंड इसके साथ ही आप बिना तेल वाले 2 पराठे और 1 कप दही, गेहूं की फ्लेक्स और बिना मलाई वाला दूध भी आप ले सकते हैं एंड दोपहर में अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो उसके पहले 1 अमरूद, सेब, संतरा या पपीता खा सकते हैं, 2 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 दही तथा 1 प्लेट सलाद जरूर खाएं एंड शाम के नाश्ते में आप बिना शुगर वाली ग्रीन टी और हल्के मीठे बिस्किट बेक्ड स्नैक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड रात के भोजन में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी भी खा लें और इसके साथ ही सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर आप पी सकते हैं। गाइस आपको डायबिटीज़ है तो आप फ्रूट्स में या अनदर फूड्स में कुछ सोच समझ कर आपको खाना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको बता देता हूँ कुछ फ्रूट्स में शुगर की हाई क्वांटिटी होने की वजह से उनको आपको नहीं खाना चाहिए, जैसे लाइक दैट अंगूर हो गया, चेरी है, अनानास एंड एक छोटे अंगूर में लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, इसके लिए डायबिटीज़ के रोगी को इसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि इसमें सूखे मेवों का भी अधिक सेवन ना करें, खासकर किशमिश या बाजार में अवेलेबल शुगर या चॉकलेट सूखे मेवों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है एंड मीठे फलों के जूस का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप जामुन का फल खा सकते हैं क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड ये आपके ब्लड में शुगर के लेवल को डाउन करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।